सतगुरु सारी गुरु आवे रे, हरो रोम रोम गरनावे रे। राजा लक्ष्मी सिंह बाबा सी कहे, अरे सिंघा जी तू गुरु कर जे, तू गुरु नाम लीजे, पर पहले एक हमारो काम कर दियो। तुम मेटावल जाओ और बहन रुकमा के ले आओ, क्योंकि वो खजायल के 12 साल हुई गए। तुम हमारो एक काम कर दियो, फिर उसकी बाद में तुमको जहां भी जानो वहां चली जाओ। सिंघा जी बाबा का लगच के, अरे महाराज तुम्हारा बहुत काम कराए और एक काम करना में काई हो जाएगा, एक काम भी तुम्हारो कराना। राजा सिंघा जी बाबा से कहे, मानो वचन हमारो रे सुरा, मानो वचन हमारो, और मत करो सांझ सवेरो रे सुरा, मानो वचन हमारो। मेटावल तुम जाओ सुरा, और कई जो संदेश हमारो, अरे बहन गई देख एक जुग बीतो, और कैसे की कोई नहीं हमारो रे सुरा। मानो ते वचन हमारो, कि 5 हथियार सुनातन धारो, सजाओ यो अश्व हमारो, अरे 5-25 म्याना भी देवा, अनमत करो सांझ सवेरो रे सुरा। मानो ते वचन हमारो। राजा का सिंघा जी सिंह भैया, तुम मेटावल जाओ और अपनी बहन रुकमा के ले आओ, दिख जाए 12 साल हुई गए, 5 हथियार तन धारो और ले जाओ अश्व हमारो, और 5-25 म्याना भी देवा, और मत कर सांझ सवेरो रे सुरा, मानो वचन हमारो। आन दई राणो लिखो पत्रिका, और विनती जुहार घनेरो, सामंत अव जेख राखो बिलमाई, और एक मास पखवाड़ो रे सुरा, वचन हमारो। आन दई ने राजा पत्रिका लिखे और गुरु महाराज का हाथ में दे, कि सिंघा जी ये पत्रिका का आन दियल छे, एक सिर पर जाई न हमारा जीजा श्री क्रे सिंह दीजो, एक बीच में तुम मत खोल जो, क्योंकि तुम्हारा काम की कोई बात नहीं है काम। पर गुरु महाराज मन ही मन करे कि राजा मक सब मालूम छे कि पत्रिका में काई लिखेल छे, पर फिर भी हम तुम्हारी आज्ञा को पालन कराना। कि छिकत घोड़िला झीण पयालो, और गुरु जी को नाम उचार्यो, अरे घड़ी सवा में पहुंचा मेटावर, अरे अवसर नहीं विचार्यो रे सुरा। मानो ते वचन हमारो, अरे ले पत्रिका राणो वाचन लाग्यो, नोपजो मोह कुभारो, अरे आसन दैन कुवर बैठायो,
और यशवक चंदे चारो रे सुरा मानो ते वचन हमारो। राजा किरे सिंह गुरु सिंघा जी महाराज का अपना सात मासन दहीन बठाड़े और उनका सैनिक नगर कच की भैया और इनका घोड़ा का ले जाओ चंदी चारो कर जो और इनकी सेवा में कई भी कमी नहीं हो चाहिए। अरे अणचित एक छोट गय बकी न गौवा का काल घेरियो अरे सकड़ो कुओ जामे उन मुख गौवा अन कोई कोनी चल तो सारो रे सुरा मानो ते वचन हमारो। सिंघा जी बाबा और राजा रघु किरे सिंह की बात चलती रहे और एक गांव को आदमी आवाज भाई राजा साहब हमारा आपका दरबार में जो सकड़ो कुओ छे ओखा में एक गाय माता अपना बछड़ा की याद में आवे रोखा में गिरी जाए तो सब ने अपनो अपनो तरीको अपने लियोज पर किसी से कौवा बाहर नहीं निकले पर हमने सुनियो कि तुम्हारा यहाँ तुम्हारा साला साहब यहाँ से कोई सिंघा जी नाम से आयल छे उनके बताई देवा कभी कोशिश करे और निकल जाए। और गुरु महाराज जाज कुआ का पास और कुआ का पास जाए न पर कम्मा लगावे कि दई पर कम्मा कुआ पर ठाड़िया और गुरु को शब्द उचार्यो अरे कर बड़े जन ध्यान लगायो अन ज्योति गौवा वारी रे सुरा मानोति वचन हमारो। गुरु महाराज ने कुआ की परिक्रमा लगाई कोई हाथ लंबा करया नहीं कोई पाय लंबा करया सिर्फ अपना गुरु महाराज की बड़े करी और देखते देखते गौ माता कुआ से बाहर आई जाए और मेटावल का सभी नर नारी सिंघा जी महाराज की जय जयकार करे कि साचो मुरली वालो साचो मुरली वालो जय जन सिंघा सुनो भाई साधु अनि यो पहलो पतियारो सूरा मानो वचन हमारो। और असी लीला न करज गुरु महाराज असा परचा दे और जब मालूम पड़े रुक्मा बाई का